आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले आप थोड़ा देखिए, फिर आपको ये वीडियो पूरा दिखाएंगे, बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी बरेली क्यों आए थे। इस बार आला हजरत के कुल में हिस्सा लेने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी भी तशरीफ़ लाए। इस्लामिया मैदान में जब उनकी एंट्री हुई तो उन्हें मंच तक ले जाने में वॉलंटियर को मशक्क़त का सामना करना पड़ा। खैर, वो मंच तक पहुँचे और बहुत अच्छा बोले। जब कुल की महफिल मुकम्मल होने के बाद मंच से उतर रहे तो नीचे युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे में सलमान अजहरी ऊपर ही रुक गए। पुलिस को उनके लिए भीड़ के बीच जगह बनानी पड़ी। युवा हटने को तैयार नहीं थे। उनके हाथों में मोबाइल और वो सलमान अजहरी के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब थे। बरेली में इस कदर मोहब्बत और दीवानगी के सलमान अजहरी भी कायल हो गए। हमने जब बाद में इंटरव्यू किया तो उन्होंने इस बात को कबूल भी किया। अब आप ये पूरा वीडियो देखिए और सुनिए कि सलमान अजहरी ने अपने इस वालियाना इस्तकबाल पर क्या कहा है। बरेली शरीफ हाजिर आया। एक बात तो है कि हम यहाँ ग़ुलाम की हैसियत से हाजिर आते हैं। यह मुर्शिद का शहर है, अदब का शहर है, लेकिन अल्लाह का करोड़ा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने यहाँ पर भी उन इज़्ज़तों से नवाज़ा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की, उनके नामूस की नौकरी करने का सदक़ा है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हमने जो सीखा है वो आज हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करो, फिर किसी की नहीं। आला हज़रत ने फरमाया था, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम। लौ लगी है कि अब उस दर के ग़ुलाम चाह रहे दर्द रज़ा करते हैं। तो आला हज़रत का जो मिशन था वो आज हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। बरेली शरीफ में मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का हुजूम, कोई गली कोई सड़क खाली नहीं है, और सारे दीवानगाने इश्क़ रसूल मचलते हुए खिराज अकीदत पेश करने आए थे। मुझे रूहानियत में काफ़ी इजाफ़ा महसूस होता है।